ये कॉल मार दी, कॉल कर दी, आ गया आ गया आ गया आ गया पूरा पानी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया यस वाओ ह्यूज। दूसरी एक फीमेल टाइग्रेस बैठी हुई थी काफी देर, ओ रोर मारी, टाइगर आ गया एक और। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। दोबारा से आप देख ही लिया कि भाई हम एकदम से सफारी वाले टायर में आ गए हैं। तो सफारी नहीं होने वाली थी, हमारा था कि हम एक ही सफारी करेंगे, मगर सोनू भाई उन्होंने हमारे को बोला कि यार जब आए हो तो एक चक्कर लगा लो फाटो का। तुमने कहा चलो ठीक है, दिन की एक फाटो भी कर लेते हैं, तो उसके लिए निकल रहे हैं बस अभी। लेकिन अब हो गई है तगड़ी वाली धूप और मस्त वाली गर्मी, तो पूरे कवर्ड है। और ये जो जल्दी चलो, मुझे कष्ट हो रहा है इसको उठाने में। ये बिल्कुल क्या मन पहना तूने? ये मैंने पता नहीं क्या पहन लिया यार। ये पता है क्या, वो सांप की केंचू ही निकालता है ना वो अपनी, प्लीज, वो खाल पहन, बॉल ड्रेस होती है उसके साथ। धीरे बोल ले, जो बॉल ड्रेस होती है उसके साथ ऐसे पहनते हैं ना ये, उसकी सांप की केंचू। मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। लो भाई सोनू भाई रिटर्न्स 2.2 आपका सेकंड पार्ट बन रहा है, जो होने नहीं वाला था लेकिन हो रहा है। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोनू भाई और मेरा चैनल है। हाँ ये बात ना सबको क्लियर करनी है मुझे कि सोनू भाई और हम साथ में हैं, हमारा माइल चेजर्स हमारा साथ में है। सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ सोनू भाई का नहीं है, हमारा है। अलग अलग समझते हैं लोग, अलग अलग समझते हैं, एक ही है भाई। तो आप इनके साथ सफारी कर रहे हो तो हमारे साथ सफारी कर रहे हो। फाटो के लिए निकल गए हैं, जो फाटो का गेट है ना थोड़ा सा आगे जाके आता है, तो करीब लगा लो आधा घंटा लग जाएगा। हमने वैसे डिटेल ब्लॉग बनाया था कि लास्ट टाइम अपनी गाड़ी में गए थे हम और वहाँ जाके पार्क करी थी, बट आज सोनू भाई यहीं से निकलते हैं तो हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वापस भी आना ही है, उसमें घर निकलना था ना डायरेक्ट। मैंने कहा मैं सोनू भाई के साथ आगे ही बैठ जाता हूँ और इसकी एक बार आवाज़ सुनो, आवाज़ चल रही है, मज़ा आ गया। चलो अभी फाटो पहुंचे भी नहीं हो, सोनू भाई कह रहे हैं यहाँ भी टाइगर दिख जाता है कई बार। देखो अभी तक गेट नहीं आया और यहाँ पे प्रॉपर जंगल हो चुका है। यहाँ अपनी गाड़ी आ सकती है यहाँ तक? गेट तक जा सकती है, गेट तक अपनी गाड़ी जा सकती है। और यहाँ पे भी साइटिंग हो जाती है भाई, पूरा जंगल ही है। लगे होते हैं यहाँ पे पगमार्क। अच्छा लगाओ तो यहाँ तो लकड़ियाँ चुन रहे होते हैं आगे, तो हाँ लकड़ियाँ, आदमी लकड़ियाँ बीन रहा होता बताओ। और यहाँ पगमार्क लगे होते हैं सुबह, दिखा आपको वैसे इस तरफ कभी ऐसे यहाँ पर पगमार्क? दिखे हैं, मैंने देखा नहीं है लेकिन पगमार्क देखे हैं बहुत बार। अच्छा, लेकिन ये जो सुबह परमिट कटाने के लिए आते हैं भाई लोग, ये बताते हैं कि इन्होंने बाइकों से कई बार देखा टाइगर को, लेपर्ड को भी। बताओ गेट के बाहर शुरू शुरू में तो जैसे बाइक से जा रहे, जब इन्होंने टाइगर देखा तो उसके बाद से बाइक से आना बंद कर दिया। फिर कार से, क्योंकि कई बार ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो परमिट कटाने के लिए ये सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं ना गेट पे नंबर गिरने के लिए। तो जब से टाइगर देखा अब इनकी हिम्मत नहीं होती, या तो फिर बंद गाड़ी में ही जाएंगे। नहीं सही चीज़ है, टाइगर इनका परमिट काट देगा, ऊपर का ऊपर का परमिट काट देगा, ऊपर का परमिट काट देगा। तो जैसे अगर कोई आना चाहे, जैसे बंदा सोचता है कि यार हम रात को चला, तो रात को तो मना कर देते हो? गेट तक तो जा ही सकते हैं, गेट तक कोई दिक्कत नहीं, रात को भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे रात, लेकिन वो आदमी का अपना रिस्क है। रिस्क देखो है, अब देखो सबसे बड़ा रिस्क हमारे को टाइगर से नहीं, हाथी से है। अब इस रोड पे जो खड्डे वाली रोड है, यहाँ अगर सामने से हाथी आ गया बाई चांस, और जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है जंगल में चलाने का, वो तो गया रात को, तो मारा जाएगा, गया। तो ये रिस्क रहता है यार, तो करना नहीं चाहिए ये सब। बाहर बाहर जो लोग घूमते हैं वहाँ चलो फिर भी समझ आता है, इस तरफ रात में कोई फ़ायदा नहीं है अकेले आने का। चलो फिर से फाटो जोन। तो भाई मैंने बहुत डिटेल में फाटो के व्लॉग्स बनाए हैं, जो हमारे को फॉलो करते हैं उन्हें पता है, उन्होंने देखे भी होंगे।
और जो डिटेल्स चाहिए आप जाके उसको दोबारा देख सकते हो। सीरीज़ बहुत ही बढ़िया थी और हमने स्टे भी करा था यहाँ पे, जो इनका FRH है वहाँ पर हमारे साथ वो वाला मोमेंट हुआ था जहाँ पे टाइगर ने हमारे पे रोर करा था भाई, वो व्लॉग भी अलग ही सीन हो गया था उसमें। अभी आप देखो सिर्फ 3 जिप्सी लगी हुई हैं क्योंकि जो गेट की एंट्री है आजकल 2:30 बजे की है, बट हम फिर भी जल्दी आ गए, हमारी सेकंड नंबर पर लग गई है ताकि जल्दी अंदर जाएंगे और चांस ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमारे को है कि वाटर होल पर जल्दी पहुँचे क्योंकि यहाँ टाइगर मेनली वाटर होल पर दिखाई देता है, तगड़े वाटर होल्स हैं यहाँ पे 3-4, तो तब तक के वेट है ना, तब तक थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमा दूँ आसपास क्योंकि सारा है तो जंगल ही। काली परी ये कह रहे काली परी लग रही है, मैं ये कह रहा हूँ तेरे को याद है फाटा FRH? हाँ, और हम कैसे भागे थे ना ये सोच गई कि हिरन है हिरन है, बाद में तो ब्लॉग जब डला तब कैमरे में आवाज़ आई कि ओ भाई। हमारे को उस टाइम समझ ही नहीं आया कि किसकी, क्योंकि बातें करते हुए चल रहे थे। मुझे बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं कि यार आप लोगों को उस टाइम कैसे रोर पता नहीं चली कि टाइगर की ही है आपको, हमारे को उस टाइम आवाज़ आई जानवरों की और पत्तों की आवाज़ आई ना जैसे ही, तो हमारे को उस टाइम बस क्योंकि बात कर रहे थे हमने ध्यान नहीं किया हमारा, और हम बस एकदम से भागे कि कुछ ही ने तो आवाज़ करी जानवर। डायलॉग तो मम्मी का था कि वो जाए जो भाग सकते हैं वो देख कर पहले कहते हैं कि काम करो एक ऐसा बंदा चुनो जो ना तेज़ भाग सकता है, और वो जाके चेक करके आए कि टाइगर है क्या, आने का हाँ टाइगर से रेस जीत जाएंगे हम, चाहे भाग भी सकता हो कोई तेज़ तब भी। हम सब बहुत बुरे भागे थे, ब्लॉग देखना यार। ओ भाई टेबल खिसकी है, मुझे लगा दोबारा से रो रो गई क्या हमारे पे। बट हाँ, और जब मैंने एडिटिंग करी ना तब मैंने सुना, जब ये से अभी आप सुन रहे हो ना, देखो मतलब मैं कैसे दिखाऊं आपको, मेरे पास 2 माइक होते हैं ऊपर, ठीक है, तो जब मैंने आगे वाला माइक ऑन करा एडिटिंग में ना, तब मैंने वो वाली आवाज़ सुनी तो पता चला शिट ये तो टाइगर है। उस टाइम हमारे यहाँ पर टाइगर था, और अगर हमारे को पता ना चलता ना पता नहीं उस दिन क्या होता, क्योंकि उसने हमारे को एक तरह से वो जो ग्राउल करा ना, वार्निंग करी कि भाई मैं आगे बैठा हूँ इस तरफ मत आओ, अब अंधेरे में मैं तो दिखा नहीं, हम चल रहे अपने मज़ेदार, और उसके बाद हम उसके बाद भागे बस वापस। और एडिटिंग में जो सुनाई दी तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन। ये श्री लाइट लेके चल रही है आगे, ये सामने सोनू भाई की गाड़ी खड़ी है। ये क्या हुआ ये फिर वापस आ यार, वहाँ कुछ तो था मतलब जानवर थे वहाँ। मम्मा या पहले तुम टॉर्च जला के वहाँ देखो बेटा, मैं वही कह रहा हूँ जानवर थे। आप लोग ना यहाँ से देखो, आप लोग हम वापस भाग के आ गए इधर। अभी आवाज सुनो एक बार जंगल की हवा की, ब्यूटीफुल रिजुविनेटिंग होता है यार ये बहुत ज़्यादा एकदम ना। और मुझे पता है कि व्लॉग लंबा होने वाला है क्योंकि मैं टाइम पास कर रहा हूँ जंगल के अंदर, आपको भी दिखाया जा रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। तो भाई एकदम कवर कर लिया मुंह वो सब एकदम, देखो डाकू एकदम, मैं तो सच में पूरी लग डाकू यशविंदर कहा था ना मत लेना। क्योंकि फाटो में ना मिट्टी बहुत उड़ती है तो कवर करना इम्पोर्टेंट है। चलो भाई एंटर करें, जयकारा लगा दो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भाई। देखते हैं अब, तो ये अपने साथ गाइड हैं हमारे ओम भाई, नमस्कार। तो चलते हैं आज इनके साथ, काफ़ी देर हमारी बातचीत भी अभी हुई है। तो यहाँ का तो भाई देखो यही सीन रहता है, सबसे पहले हम जाएंगे वाटर होल, वहाँ चल के चेक करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। वैसे ओम भाई लास्ट साइटिंग हुई थी यहाँ? सर साइटिंग डेली है, डेली हो रही है, डेली साइटिंग हो रही है। अरे वाह, गाड़ियाँ जा रही हैं स्पॉट पाता है, अगर पानी पे बैठा है तो लगभग सारी गाड़ी, फिर तो सभी को दिख गया। और अब तो गर्मियाँ भी आ रही हैं तो ये जोन तो फिर बम्पर हो जाता है, गर्मियों के लिए बेस्ट जोन है। चलो फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब देख लेंगे टाइगर आज। अरे अब एक और बढ़िया चीज़ है क्योंकि जो फाटो है ये कॉर्बेट का सबसे डेंस जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे साल ट्रीज बहुत ज़्यादा है, मेनली उसी का जंगल है, डिकाला में जैसे साल ट्रीज है सारा साल फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर ना ठंडक फील होती है। जैसे अभी गर्मी है, अभी 2:30 के बीच में टाइम हो रहा है और तब भी गर्मी नहीं लग रही यहाँ पे, जबकि इस टाइम पे जेन्युइनली गर्मी काफ़ी है। पहला वाटर होल, अभी तो कुछ नहीं है इधर ग्रीन वाटर होल पे, दूसरे वाले चेक करेंगे पहले, दूसरा वाटर होल भी अभी फ़िलहाल खाली है, बट इनको दिन भर में हमारे को चेक करते रहना पड़ेगा, कभी भी आ जाते हैं ना टाइगर।
इसी से अगर आप उस तरफ निकल जाओगे तो वहां झरना जोन आ जाएगा। मालकुंड भी खाली है, वरना सामने हाथी भी काफी आ जाते हैं। गर्मी में तो यार वाटर होल्स सारे चेक करने पड़ेंगे अब, बाकी जाके देखते हैं। कह रहे हैं पिंक की तरफ ज़्यादा मूवमेंट है कुछ दिन से, तो उधर ही सोच रहे हैं रुकें चल के। ओ कितनी प्यारी किंगफिशर है बीच में, वो गई देख। अभी आप नोटिस कर रहे होगे जो धूप है गर्मी है, तो हमारे को भी डियर वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम पर बाहर की तरफ नहीं रहेंगे, झाड़ियों के अंदर हो जाते हैं, ये गर्मी ज़्यादा है। जैसे जैसे शाम होगी ये सारे बाहर की तरफ आने लग जाते हैं रोड पर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मजाक हुआ तेरे साथ कुछ? वाटर रूल पे सोच रहे हैं थोड़ा वेट करते हैं, बाकी उसके बाद देखेंगे। मैं वेट करना बनता है, फाटो जब भी आ रहे हो वाटर रूल जहाँ पे मूवमेंट है सुबह से वहाँ वेट करो। ऐसे कई बार मैंने देखा ना शादियों में, ये देख घूंघट कर रहा होता नीचे से, उसमें से गोलगप्पे खा रहे होते हैं ये वैसे इसने पानी पिया। ओम भाई आप जो बता रहे थे लेपर्ड दिखाता हूँ, यहीं से था वो बेनियन ट्री है ना उसके अंदर। अच्छा उस पे सुबह, हाँ वो टाइगर टेरिटरी में, जबकि टाइगर भी यहीं बैठता है, तो सामने ही जगह है पानी पे आके यहीं बैठता है, और लेपर्ड भी सुबह काफ़ी देर वहीं बैठा रहा वो पीछे पेड़ पे। कोई बड़ी बात नहीं कि अपन इसी पेड़ के ऊपर और लेपर्ड हमने देखा। यार यूजुअली बैनियन ट्री पे ही जाएगा, अभी ये वाले थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं ना लकड़ी गिर जाने से, बैनियन ट्री मजबूत होता है एकदम उसकी ब्रांचेस। सब वेट ही कर रहे हैं तो नीचे जाऊँगा स्टार्टिंग में, वो उसको कामेर को दिखा रही हाथी वैसे ही हाँ मतलब जाते हुए दिखा रहे खाली है, तो शाम तक को आएंगे सब लोग। फिर वाटर होल के आसपास आ रहे हैं, ये है ही यही चीज़ ना यहाँ पर कि वाटर होल पे आता टाइगर फाटों में, फिर वहाँ पीछे से ना डियर इधर भागे हैं अभी, और यहाँ पे ना कॉल भी थी की तरफ वेट कर रहे हैं हम यही सब। हैवी अंडा टाइगर का पानी पीने का, तो चांस तो यहीं बनेगा, और कॉल भी हो रही है तो यहाँ वेट करते हैं। अभी नहीं हमने नहीं सुनी कॉल, बताया हमारे को सोनू भाई को लग रहा है, एक बार अंदर चेक करके आते हैं, तो देखते हैं फिर चल के। तो वहाँ से घूम के ना दूसरे वाटर होल पे आए कि यहाँ पर भी पीछे बंदर हैं, बोल रहे थे मतलब कॉल कर रहे थे, बंदर कॉल कर रहे हैं सामने से। ये बंदा है जो कॉल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ऊपर बैठे हैं अभी साथ साथ ना, ऐसे एक नहीं दो चार बंदर हैं। अगर डियर आए हुए हैं पानी पीने, अगर उस पर घात लगा कर आ जाए टाइगर तो उसके पीछे भी आ सकता है। कॉल देना चालू हुआ था लेकिन उस गाड़ी में बच्चा रोने लग गया, हम हट रहे हैं इतनी तेज से, हम खड़े यहाँ तक पौने घंटे से पूरा मोमेंट ख़राब कर देते हैं। छोटे बच्चे को नहीं लाना जी यार, चार पाँच महीने का बच्चा है वो। आवाज़ आ रही है आपको? यही गाड़ी है जा रही है। अब तो मंगूस भी आ गया, और कहते हैं जब मंगूस दिख जाए तो आपको टाइगर दिख जाता है। ये भी पानी पीने आ गया, हम सोच रहे टाइगर आ जाए तो मज़ा आए।
डियर आके पानी पी के चला गया, बंदर इधर आ रहे हैं बार बार, ये भी आ गया, डर डर के आ रहा है पानी पीने, ये पूरा आसपास पहले देख रहा है कोई है तो नहीं। क्या बात है, बड़ा शॉट। तो ये भी तरीका होता है पता लगाने का, जैसे बिंदु आ रहे हैं कि कौन सा जानवर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन जानवर होंगे ना, वो हमेशा अपने लिप से पानी पीते हैं इसे। जो भी कार्निवोरस होंगे या फिर आपके जो पकड़ के मीट खाते थे, टाइगर हो गया, ये सब जीप से पानी पीते हैं। डियर, मंकी, ये सब ऑलवेज लिप से पियेंगे। दो दो तीन तीन करके पानी पीने आ रहे हैं, और जो पी के वापस जाते हैं फिर बाकी आते हैं, तब तक वो देख रहे हैं पीछे। हाँ, फील्डिंग पे लगे हुए हैं। फिर ये पी के उधर जाके फील्डिंग पे लगते हैं, तो दूसरे आके फिर पानी पीते हैं। सबको खतरा जरा टाइगर लेपर्ड से ही है ना इधर। अभी डियर भी आ गए पानी पीने ना सामने से, तो जैसे डियर वहाँ से बाहर को निकले ना, सारे बंदर भाग गए एकदम डर के कि कौन आ गया भाई। देखो ये पहले पूरा सर्च कर रहे हैं एरिया को, ठीक है ना सब। हाँ एकदम सही भाई, क्या हो गया ना, उसको जगह नहीं मिल रही। अभी भी इनके एंटलर्स होंगे, गिरा दिए अभी इन्होंने, ये सारी फीमेल ही हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई ना इधर, डर गए इसलिए। सब पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, देखो यहाँ सारे बंदर ही बंदर पी रहे हैं। अरे आपके सारे हिरन, अब वही है यार, अगर ये लोग इतने चिल मार रहे हैं ना इधर, तो यहाँ टाइगर कैसे हो सकता है पीछे। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, अगर इन्हें पता ही है हर बार के टाइगर कहाँ है, तो फिर वो शिकार कैसे करेगा। फटाफट पानी पिया, बाय बाय हो गया, ये अकेले रह गया, बाकी सब चले गए हर्ड से, मतलब से अपने अकेला रह गया अभी इधर। उसको और प्यास लग रही है, अभी बंदरों का टाइम है पानी पीने का। पूंछ उठा दी इसने से। क्या हुआ, ये यहाँ से नजर रख रही है इसको। ये वाला छोटा है ना, उसकी माँ लग रही है उसकी, जो देख रही है भाई पीले पानी। वही बात है ना, माँ है ना, अगर उसका बाप होता तब तक पिट चुका होता है, कि जब सब पी रहे थे तब क्यों नहीं पिया तूने। ऑलमोस्ट एक घंटा यहाँ पे रुके, और अब यहाँ से निकल ही रहे हैं यार, क्योंकि पता चल गया है कि सब नीचे बैठे हैं और बंदर ने हमारे को पागल बनाया। राउंड मारते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। 5 बज चुके हैं अभी, तो मालगुण चेक कर रहे हैं दोबारा, और उनकी बात कर रहे थे आज हाथी भी नहीं आए, वरना शाम को यूजली जब ये टाइम आने लगता है ना समझ वाला, हाथियों की मूवमेंट अच्छी हो जाती है। और आज सुबह भी थे, कल भी देखे, मतलब पूरा हर्ड आता है यहाँ पे, आज वो भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। पानी ले जा रहे हैं सारे, यश 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 कर दिख गया सामने। I wasn't ready. मैं रेडी नहीं था इसके लिए यार। मैंने चुप मैंने गोप्रो से कर पाया एकदम। ये पानी पे जा रहा है। चलो
पता है मुझे पहले भैंस जैसा लगा, मुझे लगा इतना ये इस पानी पे आएगा। हाँ एकदम शांत रहेंगे। अचानक क्रॉस मार दिया यार। तो ये वाटर वाला कह रहे हैं यहीं पे आएगा ये। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, सुनो भाई ये कॉल मार दी, कॉल कर दी, आ गया आ गया आ गया आ गया, बना दिया भाई माहौल बना दिया। इनको पता चल गया टाइगर आ गया है, ह्यूज मेल। और हम बात कर रहे थे कल से सोनू भाई कि मेल नहीं दिख रहा मेरे को इतने टाइम से। और ओम भाई ने पहले ही बोला कि मेल दिखते हैं यहाँ पे बढ़िया। बट हमारी वाटर होल से निकलने की टाइमिंग और हमारे सामने से क्रॉस कर जाना है, इसका क्या मतलब लक मैच करा है यार। अभी बाहर निकले तो मज़ा आया, जीतल तो सारी भाग गई, आएगा ज़रूर पानी। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, यस। वाओ ह्यूज, गाड़ी बंद कर दो, पानी में बैठ गया यार। अगर वैसे बैठा हो दिखाई भी ना दे यहाँ पर। चुप रहो सारे, हमारी गाड़ी सबसे आगे लगी हुई क्योंकि सिर्फ हमारे सामने से क्रॉस करा। हमने सबको बताया कि टाइगर है वहाँ, हमारे सामने से क्रॉस मारा मेल टाइगर ने, इतने बड़ा टाइगर। और मैं उस टाइम रेडी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हम तो नॉर्मल चल रहे थे, मैं अपने गोप्रो से ही शूट कर रहा था ना, तो मैंने गोप्रो से शूट करा। यशवी के फ़ोन में देखते हैं कैसा है। बट वॉट अ साइटिंग भाई, ह्यूज भाई, कितना बड़ा था यार ये। अरे भाई माहौल बन गया, यशवी ज़्यादा खिलाइए मत बस अब। मैं तो बेचारे चीतल सारा पानी पी रहे थे, वो भागा क्योंकि इसने बैठना है। और सोचो उस वाटर होल के अंदर ये बैठा हुआ है, और अगर हम ऐसे ही जा रहे होते और बैठा तो दिखता भी ना। ये देखो सामने ही बैठा हुआ है, सर सर दिख रहा है ना इसका, वाटर होल के अंदर है। और यही होता है ना, टाइमिंग होती है ये वाली चलने की इनकी। देखा गोल्डन आवर शुरू हुआ और टाइगर बाहर। अगर मैं किस तरह, यहाँ पे बीन बैग नहीं रखा, बीन बैग रख पाता ना अगर, मजे आ जाते। कैसे रखूँगा वो उस टाइम ना, सन के थोड़ा ऐसे पड़ रहा था उस पर कि काला सा लगा पहले एकदम, वह ये भैंस घूम क्योंकि वो बड़ा इतना था, भैंस जैसा लगा। ये लोट रहा है पानी में मजे से, खुश है भाई, वो ठंडा कर रहा है, मज़ेदार मज़ा आ गया ना देख के। सुनो भाई फीमेल देखते हैं, छोटी छोटी सी होती है इसके सामने, मतलब असली में देखो तो फीमेल भी ऐसे तो बड़ी लगती है, लेकिन जब ये दिखता है तो लगता है ये क्या है भाई, भैंस। अरे हम सबने कंफ्यूज कर लिया शुरू में तो कि भैंस है, इतना बड़ा टाइगर देख रहा है, इधर देख रहा है, उठ गया। गाड़ी मत ला यशवी, ब्यूटी मेल, व्हाट अ मेल, व्हाट अ मेल। वाओ चला गया अंदर अब तो काफी। मार्क मारा, स्प्रे मारा, क्या साइज है यार इसका। मैंने बीन बैग रख पाया गया, थोड़ा सा शेक आ रहा होगा, दिन मैनेज कर लेना। टाइगर दिखा दिया आपको, ये पड़ा है लेकिन रखूंगा कहाँ ना इस पे, अब नीचे बैठता हूँ तो वो पूरा आता नहीं ठीक। गया अंदर अब तो, ओ जा रहा भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या बोला था, फिर टाइगर देखेंगे। मैंने बोला था ना।
सुबह जयकारा नहीं लगाया था, हम भूल गए थे। मैंने जय श्री राम सुबह नहीं लगाया था हमने, और आज निकलते हमने लगा लिया था जय श्री राम। यहाँ पर अभी तक तो वहाँ कहाँ बैठा था, मैन मेड वाटर होल में, अबे हमारी गाड़ी के आगे थी, मेड होगा, क्रॉस किया फिर पानी का आया बढ़िया, वापस उसी जगह पे आ गया हम जहाँ पे हमारे को पागल बना रहा था बंदर। लेकिन अब सारे बंदर और जितने भी यहाँ पे थे ना सब जा चुके हैं, और वहीं अंदर से कॉल हो रही थी जब हम पीछे की तरफ खड़े थे ना, इसलिए बंदर आएंगे इतना थोड़ा टाइम है, कोशिश करें कि यहाँ पर अगर दिख जाए, क्योंकि हमने टाइगर साइड तो कर लिया, अब जिस तरह से चल रहा है तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए या कोई दूसरा टाइगर भी आ सकता है। मांगूस भी दिख गया और अभी हमारे को पीछे जंगली मुर्गा भी दिख गया है, तगड़ा हो गया लैंक। कॉल हो रही है सामने, कॉल हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, पानी पे आ रहा है, ये पानी पे जा रहा है, चलो पानी पे चलें। इधर कॉल चल रही है तगड़ी, दब्बा के कॉल चल रही है इधर स्पॉटेड डियर की, कौन सा वाला है, तो पानी भी आने के पूरे चांस है अभी। इधर इधर तो आई थी, क्या यहाँ पे दिखा है क्या, इनको दिखा है बड़ी देर सामने से है, तो कौन सा वही वाला, ये देखो उनको देखो, कहाँ पे सर, इसी वाटर होल पे, तो फिर यहाँ वापस थोड़ी आएगा, अब आ भी सकता है, इधर को आ सकती है, ये वाली है ना बच्चे वाली है, अच्छा दूसरा ही दूसरी ही है वो, यहाँ पे अभी इस वाटर होल पे यहाँ पे सब खड़े हैं, इनको दिखाई दिए यहाँ पर दूसरी एक फीमेल टाइग्रेस बैठी हुई थी काफ़ी देर, ओ रोर मारी टाइगर ने, रोर कर अंदर से सुनाई दिया, ये चार्ज करती है, ये चार्ज करती है कह रहे हैं, यहाँ तो हिरन है बहुत सारे, यहाँ हिरन है, टाइगर आ गया एक और, वाओ दूसरी टाइगर ऐसे ही है, दो टाइगर दिख गए हमारे को, बाहर आ यार, शिकार के इरादे में है ये, रोड पे आ सकती है, हमारे पास अधिक टाइम नहीं है, हमारे पास कितने रुपये, 20 मिनट चार्ज कर, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, हम कैच कर पड़ेगा यार, बाहर आ जाए ना इस रास्ते से ही, अगर इसके बच्चे हैं ना, अरे सर ये बहुत करना है यार, हमारे पास टाइम नहीं है यार, वापस जा रही है, ये बच्चों के चक्कर में देख रही है, इधर उधर बच्चे हैं, इसके इसके भी बहुत छोटे बच्चे, 1.5-2 महीने के हैं ना बच्चे, बताओ 1.5-2 महीने के बच्चे बैठ गई, तेरी बैठ गई है, सुनो भाई पीछे करो थोड़ी सी, यार ये पॉट रोल पे आके बैठी है, और हमारे को जाना पड़ेगा, हमारी टाइम ख़त्म हो रहा है, बाहर निकलने में ऐसे 15 मिनट लगेंगे, उतना ही टाइम बचा है हमारे पास, जो FRH में स्टे कर रही हैं गाड़ियाँ वो अभी थोड़ा सा रुक सकती हैं, वाह चाट रही है अभी, सुनो भाई थोड़ा सा और पीछे करोगे, बस झाड़ियाँ आ गई हैं, इसके बाद निकल चलते हैं, बस वो कॉल मारी उधर से, बस कॉल चल रही है उधर, और मुझे लग रहा है बच्चे आ रहे हैं, हमारे को जाना है, सामने बैठी है यार,
डिसाइडिंग मेल फीमेल ये लेट गई चलो चलो निकलते हैं सोनू भाई का भी हर्जा नहीं होना चाहिए यार चलान हो जाता है गाड़ी भी बैन हो सकती है छोड़ के जाना पड़ेगा सोचो टाइगर को छोड़ के जा रहे हैं आज हम इसको पूरा दिन ढूंढ रहे होते हैं वाह ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइटिंग चलो चलो सोनू भाई वही कह रहा हूँ आज सुबह हमारे को ने देखा उसी कसर पूरी हो गई है अगर भाई साहब तू तो टाइगर दिखने शुरू होते हैं ना जब वो छाका हट जाए भाई साहब दबा के टाइगर होता है फिर बट क्या बात है यार और सोचो जो FRH में रुके हुए हैं वो तो अभी हो सकता है बच्चे भी देख लें क्योंकि उनका 1/2 घंटा एक्स्ट्रा होता है अब हमारे को जल्दी से बाहर निकलना है लेकिन प्रॉपर ये इस टाइम जस्टिफाई कर रहा है ये आई लव फाटो फिर वापस आ गए और ये वाली जितनी भी सफारी का आता ना अगर सोनू भाई ने ना इंसिस्ट करा होता इतना ज़्यादा कि सफारी पे चल लो तो आज ये टाइगर जो हमारे को दो दो दिखे ना ये तो हो नहीं पाते नहीं हो पाते तो यही होता है एक सफारी करना अगर कोई फ़ायदा नहीं है कम से कम जैसे कहते हैं ना 3-4 सफारी तो होनी चाहिए जैसे हमारे को भी दो में दिख गया 3-4 होनी चाहिए तभी होता है कि आप कॉर्बेट से वापस जाओगे तो अभी चांस बढ़ते हैं सोनू भाई का नंबर मैंने डाला होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई कॉल कर लेना और फाटो अब यहाँ से ना चमकेगा क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और गर्मियों में तो वैसे भी बम्पर साइटिंग रहती है उधर है ना ऑलमोस्ट श्योर साइटिंग रहती है पर अभी टाइम शुरू हो चुका है तो झिरना ढेला फाटो यही चल रहे हैं भाई बढ़िया तो जैसे मैंने बोला नंबर है भाई का कॉल कर लेना और इन्हीं जोन्स में जाओ उस तरफ जो है ना अभी जो बिजरानी वगैरह वहाँ पे फ़ायदा नहीं है जाने का मैं बहुत लोगों को वैसे ही बता चुका हूँ बट आप वीडियोस में भी देखोगे अगर मेरी या फिर किसी और वीडियोस में आप देखते हो तो यही जोन्स चल रहे हैं ठीक है फिर सोनू भाई मिलते हैं अगली बार फटाफट है ना बहुत जल्दी मिलते हैं थैंक यू सो मच सोनू भाई हैं तो हम चले जा रहे हैं चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग